नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राम आप सबका एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है बॉलीवुड दर्शन। मुंबई आने से पहले कौन से उन 10-11 बातों का ध्यान रखना होगा आपको, अगर आप एक एस्पायरिंग एक्टर हैं तो? ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या आपको पता है? अगर आपको ये नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर मैं आपको वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, वो 11 बातें खास जो एक एक्टर को जरूरी है जानना मुंबई आने से पहले, बताने वाला हूं इसी वीडियो में। तो बने रहिए और ये पूरी वीडियो अंत तक देखिए, ताकि मुंबई आने से पहले आपको सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाए। पॉइंट नंबर वन, अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ग्लैमर और चकाचौंध की वजह से आप भी गुमराह हो रहे हैं, और ये सब देखते हुए आपको ऐसा ख्याल आ रहा है दिमाग में कि मुझे जाकर मुंबई एक्टर बनना है, तो आपके लिए सख्त चेतावनी, आप मुंबई ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ग्लैमर को देखकर आना कोई एक अच्छी बात नहीं है। यकीन मानिए, सिर्फ 2% लोग, जितने एक्टर्स मुंबई में आते हैं हजारों लाखों की तादाद में, उनमें से सिर्फ 2% लोग ऐसे लकी होते हैं जिनको ग्लैमर का स्वाद चखने को मिलता है। अदरवाइज यकीन मानिए 98% लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं। मैं खुद एक एक्टर हूं और इस बात को अच्छी तरह से आपको समझा सकता हूं। यहां पर एक्टिंग को आप एक काम की तरह लीजिए, जिस तरीके से आप 9-to-5 जॉब करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये एक काम है, और इसको काम की तरह लीजिए, ना कि ग्लैमर और गाड़ियां और बंगले और लोगों की भीड़, कैमरा, चकाचौंध, ग्लैमर, ये सब देखते हुए मत आइए। इसको एक प्रोफेशन की तरह लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। मेरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एक ऐसा करियर ऑप्शन देख रहे हैं जहां पर आपको एक फिक्स सैलरी मिलती रहे, आपका घर बार अच्छे से चलता रहे, आपकी वो छोटी छोटी जरूरतें जो है आपकी लाइफ की वो पूरी होती रहे, तो ये प्रोफेशन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहां पर कोई भी फिक्स सैलरी नहीं होती है। बाकी मुकाबले एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस, जहां पर आप 9-to-5 की जॉब करते हैं, जहां पर आपको एक सर्टेन सैलरी मिलती है, आपको पता है कि महीने के एंड में आपके अकाउंट में इतने पैसे आने वाले हैं, तो आप अपने खर्चे उस हिसाब से बनाते हैं, अपनी लाइफ को उस हिसाब से सेटल करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर आपको जितना काम मिलेगा उसके हिसाब से, पर डे के हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं। तो इस बात को एकदम ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर किसी भी एक्टर की कोई भी फिक्स सैलरी नहीं होती है, यहाँ एक्टर्स फ्रीलांस काम करते हैं, जितना काम करते हैं उसके अगेंस्ट उनको उतना पैसा मिलता है। नंबर थ्री, जो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हद से ज्यादा कॉम्पिटिशन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा कॉम्पिटिशन है, मैं ये वर्ड यूज करूंगा कि हद से ज्यादा कॉम्पिटिशन है। हजारों की तादाद में आपको लोग ऑडिशन वेन्यूज में मिलेंगे, आपको हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाए, कई सारे लोग जो है आपसे बेहतर दिखेंगे, अच्छी एक्टिंग भी करते होंगे, उनके बीच में आपको खड़ा होना होगा, अपने क्यू में अपनी बारी का इंतजार करना होगा, थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं उससे कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। और यकीन मानिए, यहाँ पर काम की कमी नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप कुछ बनना चाहते हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, एंड इफ यू डिजर्व इट, आपको काम मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, अपने क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा। सो कॉम्पिटिशन इज देयर, नो डाउट अबाउट इट, कॉम्पिटिशन है, लेकिन अगर आप में टैलेंट है तो आपको काम भी मिलेगा। नंबर फोर, अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो बाकी इंडस्ट्री की तरह नहीं, यहां पर आपको काफी ज्यादा प्रोफेशनल होना होता है, क्योंकि शूटिंग्स में आप यकीन मानिए लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं सिर्फ आपके एक कमिटमेंट में। अगर आपने हाँ बोल दिया और उन्होंने आपको एज अ लीड कास्ट कर लिया, या किसी भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के लिए आपको कास्ट कर लिया, और आप अगर एंड मोमेंट पे ना कर देते हैं तो प्रोडक्शन का लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो यहां पर अगर आप आना चाहते हैं, इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है किसी भी एक्टर के लिए वो ये कि उसको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। कमिटमेंट्स पर बात होती है, अगर आपने किसी को कोई चीज कमिट कर दी तो फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको वो काम करना ही है। तो बीइंग अ प्रोफेशनल, आपको यहां पर आना है
और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब आप सेट्स पर जाएंगे तो वहां पर आपका कोई दोस्त नहीं होगा, कोई रिश्तेदार नहीं होगा, वहां पर सिर्फ प्रोफेशनल लोग होते हैं। तो कई बार हो सकता है कि आपको किसी की खरी खोटी सुनने का भी मौका मिल जाए, कोई फ्रस्ट्रेटेड हो, शायद आपको डांट भी दे। ये सारी चीजें आपको सहनी पड़ेंगी। हजारों लोगों के क्रू में जब काम होता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी पे निकल जाता है। तो बीइंग अ प्रोफेशनल, आपको इतना प्रोफेशनल होना है कि मुझे बस अपना काम करना है, दुनिया चाहे जो बोल रही है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट और मैं हर चीज को पॉजिटिवली लूंगा, और अगर मुझे डायरेक्टर ने डांटा या प्रोड्यूसर ने कुछ समझाया तो मैं उनकी बातों को पॉजिटिवली लूंगा, ना कि मैं अपने ईगो को सामने लाऊंगा। तो प्रोफेशनलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हर डायरेक्टर और हर प्रोड्यूसर चाहता है एक एक्टर के अंदर। नंबर 5, आपको अपने क्राफ्ट पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, इसके बारे में मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं और मैं इस वीडियो में भी बहुत क्लियरली ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आपको अपने स्किल्स पर, अपने क्राफ्ट पर, अपने टैलेंट पर काफी काम करना पड़ेगा। यहां पर दोस्तों कोई दूसरा फैक्टर नहीं काम करता, एक ही चीज काम करती है, वो ये कि आपका टैलेंट क्या है। आपको ऑडिशन वेन्यूज में, ऑडिशन रूम में, कैमरे के सामने डायरेक्टर सिर्फ यही बोलेगा, एक्शन। कैमरा ऑन होने के बाद आप जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पर आपका चयन होता है, आपको रोल मिलता है। आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपको रोल नहीं मिलेगा। तो बी श्योर कि आप जब भी इंडस्ट्री में आने की सोचे, पहले ट्रेनिंग जरूर लें, अपने स्किल्स पर काम जरूर करें। अगर आप काम नहीं करते हैं तो इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इट्स अ स्ट्रिक्ट वार्निंग, बिना ट्रेनिंग के, बिना सीखे इंडस्ट्री में मत आना। नंबर 6, दैट इज पेशेंस। पेशेंस आपको रखना होगा। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको काफी ज्यादा पेशेंस रखना होगा। इसका कोई डेडलाइन नहीं होता है कि आप 5 महीने में एक्टर बन जाएंगे, 6 महीने में आपको काम मिल जाएगा, या 1 साल में आप सेटल्ड हो जाएंगे। यहां पर सेटलमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। आप जब तक एक्टर हैं तब तक आपको ऑडिशंस देने होंगे, काम मांगना होगा, काम करना होगा, लोगों से मिलना होगा। सेटलमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती यहाँ पर। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर आकर 6 महीने में सेटल हो जाऊंगा, मेरा काम चालू हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं, आपको पेशेंस रखना होगा। कई सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने 15-15 साल, 16-16 साल तक दिए, लेकिन आप यकीन मानिए, आप अगर मुझसे जुड़ेंगे तो जो भी आपका जो सफर होगा उसको मैं काफी आसान कर दूंगा। मेरे एक्सपीरियंस को आप ले सकते हैं, जिससे आपको 15 साल तो वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज फॉर श्योर। घर वालों को सपोर्ट होना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो लोग घर छोड़कर भागकर आ जाते हैं मुंबई, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब वो जमाना चला गया है। लोग जब घर से भाग जाया करते थे कुछ पैसे लेकर के, लेकिन आप ऐसी गलती अब दोबारा मत करना। अगर आप मुंबई आना चाहते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ आइए, घर वालों से परमिशन लीजिए, क्योंकि जब आप मुंबई आएंगे, यहां पर आकर स्ट्रगल करेंगे, काम मांगेंगे, दिन रात एक करेंगे, तब आपको काफी ज्यादा तकलीफ होगी। फिजिकली, मेंटली आपको बहुत प्रेशर झेलना पड़ेगा, और उस वक्त ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके घर वाले आपके साथ हों, उनका सपोर्ट आपको मिले। अगर उनका सपोर्ट आपको मिलता है तो आपको काम मिलने के चांसेस 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, और आपकी तरक्की भी बहुत जल्दी होती है। घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 8, अगर आप मुंबई आना ही चाहते हैं, आपने ये मान ही लिया है, ठान लिया है कि आप मुंबई आ रहे हैं, दुनिया से लड़कर कुछ अपना, अपने लिए कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको जिनसे सावधान रहना है, जो सबसे पहला कदम होना चाहिए आपका, वो ये कि ये जितने भी फ्रॉड लोग हैं मुंबई में, जो कि आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर, पोर्टफोलियो के नाम पर, फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में काम दिलाने के नाम पर आपसे पैसे ऐंठने के लिए जो खड़े रहते हैं, उनसे आपको बचना होगा। फ्रॉड एजेंसी से आपको बचना होगा, कोऑर्डिनेटर से आपको बचना होगा। इसकी इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगी? अच्छे लोगों से जुड़िए। अच्छे लोगों से जब आप जुड़ेंगे तब आपको वहां से पूरी जानकारी दी जाएगी कि कौन से लोग जेन्युइन हैं, कौन से लोग फ्रॉड हैं, किन के साथ जुड़ना है और किन के साथ नहीं जुड़ना है। स्पेशली आजकल जो ये OLX जस्ट डायल पर लोग पैसे मांगते हैं कि आपका सावधान इंडिया में सिलेक्शन हो गया, या आपका किसी टीवी सीरियल में हम सिलेक्शन कर रहे हैं, आप 10,000 दे दीजिए, हम आपका आर्टिस्ट कार्ड बना देंगे, ऐसे लोगों से खास करके आपको बच के रहना है। कोई भी इंसान इंडस्ट्री में अगर आपको पैसे मांग रहा है आपसे काम दिलाने के नाम पर, तो यकीन मानिए वो आदमी फ्रॉड है। पैसे देकर के किसी को भी काम नहीं मिलता, काम मिलता है सिर्फ आपके टैलेंट पर।
अगर आपको खर्च करना है तो आप अपनी ट्रेनिंग पर खर्च करिए, जो कि आपको लाइफ टाइम काम दिलाएगी, लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। अपने स्किल पर काम करिए, अपने क्राफ्ट पर काम करिए, लेकिन किसी को भी काम दिलाने के नाम पर पैसे मत दीजिए। नंबर 9, मुंबई आ रहे हैं भाई, रहने की व्यवस्था कर लीजिए। मुंबई में छत मिलना बहुत मुश्किल है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर छत मिलना ही है। छत मिलने का मतलब घर मिलना। बहुत एक्सपेंसिव शहर है दोस्तों। अगर आप मुंबई आ रहे हैं तो अपना बैकअप लेके आइए साथ में। बैकअप कम से कम 6 से 8 महीने का मिनिमम होना चाहिए। वैसे प्रैक्टिकली बात करूं तो कम से कम 1 साल का आपके पास बैकअप होना चाहिए। और यहाँ पर रहने की जगह कहाँ मिलेगी आपको? अगर आप इंडिविजुअल घर लेंगे तो वो काफी एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। तो इसलिए बेटर ये होगा कि इनिशियल पीरियड में आप अपना पर्सनल रूम ना लेके शेयरिंग में लोगों के साथ एडजस्ट कर लें। शेयरिंग यहाँ पर मुंबई में पूरे अंधेरी वेस्ट में कहीं पर भी किसी भी इलाके में अंधेरी वेस्ट के आप पर रह सकते हैं, रूम ले सकते हैं शेयरिंग बेसिस पे, किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं, जहां पे आपका रेंट भी बहुत कम हो जाएगा। और उसको पीजी सिस्टम कहा जाता है मुंबई में। आप पीजी में लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए उस कमरे का किराया 20,000 रुपया है तो 5,000-5,000 रुपये करके 4 लोग शेयर कर लेते हैं, जिससे आपका बर्डन कम हो जाएगा। इनिशियल डेज में आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादा खर्चा रेंट पे ना करें और उस पैसे को अपने लिए बचा के रखें। नंबर 10, इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको नेगेटिव लोगों से बच के रहना होगा। जी हाँ, आपने ये कहावत सुनी तो होगी, एक गंदी मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यकीन मानिए, जब आप मुंबई में होंगे आपको चारों तरफ ऐसे बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे जो कि नेगेटिव बातें कहेंगे, आपको नेगेटिव स्टोरी सुनाएंगे। अगर आप आपका मोरल हाई होगा तो कहीं ना कहीं वो भी कोशिश करेंगे कि उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, शायद उनके पास स्किल्स नहीं है या उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली या वो सही प्रोसेस से नहीं जा रहे हैं आगे, जिसकी वजह से उनको काम नहीं मिल रहा, तो वो अपनी नेगेटिविटी किसी ना किसी तरीके से आपको सौंप देंगे और आप उस नेगेटिविटी को लेकर के उसको सच्चाई मान लेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री में काम बहुत है, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको काम मिलेगा। इसलिए कोशिश आपको यही करनी है कि जो अच्छे लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनके साथ आपको जुड़ना है। किसी भी नेगेटिव इंसान को अपने आसपास आने ना दें और उनसे दूरी बनाए कर रखें। अगर आपको इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है तो किसी भी तरीके से आपको इन नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो काम करता है एक सक्सेसफुल एक्टर बनने में। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, उसको एक प्रोसेस में आपको इम्प्लीमेंट करना होगा और उसके लिए आपको कम से कम 6 से 8 महीने पूरे प्री प्लान करके मुंबई में आना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ 4 जोड़े कपड़े उठाए और कूद कर यहाँ मुंबई पहुंच गए। आपकी तरह ऐसे कई सारे हजारों लाखों लोग यहाँ मुंबई में आ रहे हैं। तो जब भी मुंबई आइए, किसी की गाइडेंस में आइए, कोई ऐसा इंसान हो जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको रास्ता दिखा रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है, ऐसे किसी इंसान के साथ आप जुड़िए। मुंबई आइए, पूरा प्री प्लान करके आइए कि मुझे 6 महीने में ये सारी चीजें करनी है, ट्रेनिंग लेना है, इंडस्ट्री को समझना है, काम करना है, ऑडिशंस देना है, लोगों से मिलना है। जब आप ये सारी चीजें प्री प्लान करके आएंगे ना, तो आप यकीन मानिए आपका रास्ता बहुत ज्यादा आसान होगा और फ्रस्ट्रेशन आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें प्री प्लान करके नहीं आते तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मुश्किल हो और कहीं ना कहीं आपको भी फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जो 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इसको आप संभाल कर रखेंगे, आपने सुनी होंगी और इसको आप फॉलो भी करेंगे। अगर आपको इंडस्ट्री में आना है, बेहतरीन कलाकार बनना है, तो आपको इन 11 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा YouTube चैनल है बॉलीवुड दर्शन, जिसको आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ तो मेरी जो जर्नी रही है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं आपको इन वीडियोज के थ्रू पहुंचाता रहता हूँ वक्त पे वक्त, और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा।